10.3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स ही ना समझें, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए काम आ सकते हैं और डेफिनेशंस वगैरह भी आपके इससे अगर कोई आ जाती है तो, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंड? कहता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। यानी कि अगर हम इसका ऐसे ग्राफ बनाएं तो इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होती है और इस तरफ, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। वैल्यू जो सिग्मा की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा पॉजिटिव होगी, ये आपने याद रखना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होता है और ये सिमेट्रिकल होता है, यानी अगर हम बनाएं तो ये इस तरह का होता है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ओके, अब इसमें से सिग्मा की वैल्यू कौन सी है? हमने सवाल सारे हल किए हैं, ये मीन होता है और ये सिग्मा स्केयर होता है, तो सिग्मा स्केयर है 25। तो अगर हमने सिग्मा लेना है तो जजर ले लेंगे दोनों तरफ, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे अगर, यानी इसका हम सेंटर लें मैक्सिमम ऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जी कितना होता है? 0 होता है। ओके, अब इसकी वैल्यू हमने लिखनी है 0.97 की। ये आपकी बुक का पेज है टेबल 10A, 0.97 की 5 में ये 1.96 वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज एट एक्स, वो मीन के इक्वल होता है। ठीक है, जी 0 होता है ना, तो अगर हम एक्स लें तो वो मीन की वैल्यू होती है दरमियान में। टोटल एरिया जो होता है एक कर्व के नीचे, ये टोटल सारा ना 1 होता है। ओके, यानी कि इधर भी 0.5 होता है और इधर भी 0.5 होता है। रेशियो ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरस्पोंड टू 0 इज कॉल्ड यूनिट स्टैंडर्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी ये अभी मैंने बताया ना, इधर जी, ये जी होता है और इधर मीन होता है, यानी यहाँ पर जी 0 होता है और ये मीन के इक्वल होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, ये हमने सवालों के अंदर भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल 1 का रिलेशन इसके इक्वल होता है, ये हमने लास्ट पे सवाल भी किए हैं 10.2 में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन क्वार्टाइल 3 के इक्वल होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला 2/3 सिग्मा होता है, ये भी हमने सवालों में हल किया है। मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होता है, और इस लिमिट के लिए 50% एरिया अंडर नॉर्मल कर्व होता है, ये आपने रटा मार लेना है इसको। और म्यू प्लस माइनस सिग्मा हो, इसके हमने सवाल भी हल किए मशक में, 68.27 होता है, और अगर यहाँ 2 सिग्मा आ जाए तो 95 प्लस 4 5, 3 सिग्मा आ जाए तो 99 प्लस 7 3। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 8 मोमेंट 0 होते हैं, ये भी हमने सवालों में हल किए थे, और चैप्टर 10 की जो 10.2 की इंट्रोडक्शनरी वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसके अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β1 0 होता है और β1 इक्वल टू 3 होता है, यानी β2। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर फ्लैट क्वार्टिक नॉर लेप्टो क्वार्टिक बट मेसो क्वार्टिक होती है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल कर से कोई भी पॉइंट इन्फ्लेक्स करें निकालें तो वो इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर नेमली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जी ठीक है, ट्रू फॉल्स है, आप इसको ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स ना समझें, बल्कि ये MCQs में भी बन के आ सकते हैं। इफ एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, तो ये इस तरह डिनोट हो सकता है। जी ठीक है, ट्रू है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हैज मीन 0 एंड वेरियंस 1। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है, यहाँ पर होता है ना, ठीक है, 0 और 1। मैक्सिमम ऑर्डिनेट जी इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं जी 0 होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा भी है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल अबाउट
ज़ीरो, जी ज़ीरो क्योंकि सेंटर में होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द ही सारा फिर घूम रहा होता है, ये सेंटर में ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड डिस्ट्री नॉर्मल कर्व में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये टेबल से आप ये सारी वैल्यूज अब देख लें आराम से। नॉर्मल कर्व हैज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो जी ज़ीरो होता है, एक्स ज़ीरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कहता है शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स पैरामीटर नेमली म्यू एंड सिग्मा। जी ट्रू है, मीन और सिग्मा के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है क्योंकि दरमियान में मीन की वैल्यू होती है। द पैरामीटर सिग्मा कंट्रोल द रिलेटिव फ्लैटनेस ऑफ ए नॉर्मल कर्व, यानी वो कितना लंबा होगा वो सिग्मा पर डिपेंड कर रहा होता है। ट्रू है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होती है, ये भी ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन इक्वल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये रिलेशन भी ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियंस आर ऑलवेज इक्वल, मीन मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते। द एक्सपेक्टेड वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, जी बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा, ये भी ठीक है। नॉर्मल डेविएशन के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ये होती है, ट्रू है। मीन डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.79, ये भी ठीक है, वो क्वार्टाइल के लिए, मीन के लिए। द टू पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल नेटवर्क एरिया अंडर ए नॉर्मल कर्व, मिडल में ज़ीरो होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल ऑड मोमेंट अबाउट मीन आर ज़ीरो, ऑर्डर्ड नहीं हाली ऑड मोमेंट्स, ठीक है, ऑड मोमेंट ज़ीरो होते हैं, इवन नहीं होते। ये देखें ना नीचे आ गए, ऑड वाले क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। बीटा वन ज़ीरो हो तो बीटा टू थ्री होते हैं, ये पीछे भी आया था, ठीक है जी।